सूरत महानगर पालिका की ठोस कचरा प्रबंधन की प्रैक्टिसेस पर आधारित इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस विषय पर बनी महानगर पालिका की फिल्म आपने देख ली है। सूरत शहर में कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं, यह ट्यूटोरियल उन प्रक्रियाओं की जानकारी देगा। यह ट्यूटोरियल स्वच्छ भारत मिशन के ई कोर्सेस के अंतर्गत अर्बन मैनेजमेंट सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस ट्यूटोरियल की रूपरेखा पर नजर डालें। हम स्वच्छ भारत मिशन के हेतुओं को जानेंगे और विशेष तौर पर ठोस कचरा प्रबंधन के सुधार पर ध्यान देंगे। इसके पश्चात हम ठोस कचरा प्रबंधन की पूरी श्रृंखला को समझेंगे और इसके बाद सूरत महानगर पालिका की प्रत्येक लीडिंग प्रैक्टिस भी जानेंगे। इस ट्यूटोरियल के पश्चात आपको प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेने के लिए भी कहा जाएगा। ट्यूटोरियल के अंत में प्रश्नों के सही जवाब देने के बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की गाइडलाइंस में 7 उद्देश्य उल्लेखित हैं। इनमें से विशेष हैं: शहरों को ओपन डेफिकेशन से मुक्त करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा का निर्मूलन तथा मॉडर्न एंड साइंटिफिक ठोस कचरा प्रबंधन की प्रैक्टिसेस को अपनाना। आइए हम कचरा प्रबंधन की श्रृंखला को समझते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन का मतलब एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें कचरा उत्पत्ति के स्थान पर ही पृथक्करण किया जाए और उसका प्राथमिक संग्रहण, परिवहन और कचरे का प्रसंस्करण, प्रशोधन और निपटान का समावेश होता है। हमारा शहर कचरा प्रबंधन की पूरी श्रृंखला में दक्षता एवं गुणवत्ता पूर्वक सेवा प्रदान कर सके, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि शहरी स्थानिक निकाय उनके खर्च को वसूल कर सकें। उनके पास एक दक्ष निगरानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे मुद्दों का विश्लेषण कर उनको समय पर हल किया जा सके। आइए हम सूरत की ठोस कचरा प्रबंधन की मुख्य गतिविधियां जानते हैं। सूरत एक ऐसा प्राचीन शहर है जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व से है। मौर्य वंश के प्रशासन के बाद सूरत पर दिल्ली के सुल्तानों, मुगल बादशाहों, पुर्तगाली और अंग्रेज शासकों ने भी राज किया। जनसंख्या के आधार पर सूरत भारत का 8वां बड़ा शहर है और विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में वह 4थे नंबर पर है। इस शहर की पिछले दशक में 62% की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्र का दशक वृद्धि दर 23% है। सूरत शहर की जनगणना 2001 में 28.7 लाख से बढ़कर 2015 में 54 लाख हुई है। सूरत को गुजरात राज्य का आर्थिक केंद्र भी माना जाता है और यह डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के तौर पर भी विख्यात है। सूरत में प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सूरत महानगर पालिका की है। महानगर पालिका के क्षेत्रफल में पिछले 4 दशकों में लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई है। यह 1971 में 33 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2006 में 326 वर्ग किलोमीटर हो गया है। प्रशासनीय दक्षता के लिए शहर को 7 जोन्स और 38 वार्ड्स में बांटा गया है। सूरत महानगर पालिका के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, जोनल डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर्स तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इनकी मदद करते हैं। शहरी स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी म्युनिसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जाती है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दैनिक स्तर पर समीक्षा करके रिपोर्ट्स म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजते हैं। प्रत्येक जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारी अपने जोन्स में ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी करते हैं। वार्ड लेवल पर एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, 2 सैनिटरी सब इंस्पेक्टर्स और 2 सुपरवाइजर होते हैं। प्रतिदिन 2 सब सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और 2 सुपरवाइजर्स हर वार्ड में औसतन 60 सफाई कर्मचारियों की निगरानी करते हैं और फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक जोन के अलग अलग वार्ड्स के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स
उप स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। सूरत प्रतिदिन लगभग 1800 टन कचरा उत्पन्न करता है। महानगर पालिका ने शहर के 12 लाख घरों से घर घर जाके कचरा एकत्रित करने का काम 7 एजेंसी को आउटसोर्स किया है। शहर में सामुदायिक बिन्स के लिफ्टिंग और परिवहन का कार्य कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा किया जाता है। शहर में 211 रूट्स की रात में सफाई होती है। शहर सूरत में 1000 मेट्रिक टन की क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट बांधने का कार्य भी प्रगति में है। शहर में 200 एकड़ पर फैला हुआ एक सैनिटरी लैंडफिल साइट है जो खजोद में स्थित है। सूरत महानगर पालिका जिन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है वह है 100% प्राथमिक संग्रहण की व्यवस्था, दिन में जहां भारी भीड़ रहती है वहां नाइट स्वीपिंग करना, ट्रांसफर स्टेशंस बांधकर कचरे का दक्षतापूर्ण परिवहन करना, यूजर चार्जेस लागू करना जिससे लगभग 100% लागत वसूली होती है, तथा एक दक्ष मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना और कचरा फेंकने वालों पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लागू करना। आइए इन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तमाम स्थानिक निकायों को विस्तृत रूट कॉन्फ़िगरेशन और कचरे के एकत्रीकरण की अनुसूची तैयार करने के लिए माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे माइक्रो प्लानिंग से श्रम, परिवहन और ऊर्जा की बचत होगी और कचरे के संग्रहण की सुनिश्चितता से नागरिकों में संतुष्टि होगी। सूरत महानगर पालिका ने रूट्स डिजाइन करने के लिए और कचरे के संग्रहण के शेड्यूल विकसित करने के लिए एक विस्तृत माइक्रो प्लानिंग अभ्यास किया है। यह अभ्यास सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा वार्ड लेवल पर किया गया और वेस्ट जनरेटर्स और बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान की गई। प्रत्येक रास्ते पर उत्पन्न होते कचरे का अंदाज निकाला गया और रास्तों की सूची तैयार की गई। इससे परिवहन के मार्ग तय हुए जिसमें यथार्थ स्थान और एकत्रीकरण का समय भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर यह फॉर्म दिखाता है कि गाड़ी नंबर 3319 सुबह 7:50 पर संजय नगर पहुंचेगी। यह फॉर्म ट्रांसफर स्टेशन पर अनलोड का समय भी दिखाता है। यह अभ्यास फ्लेक्सिबल है और इसमें समय समय पर मॉडिफिकेशन संभव है। इसी माइक्रो प्लानिंग अभ्यास से सूरत महानगर पालिका को नाइट स्वीपिंग की जरूरत का पता चला। शहर में कई रास्ते ऐसे हैं जिनमें भारी ट्रैफिक के कारण दिन में सफाई करना मुश्किल है। ऐसे 211 रूट्स, मेन रोड्स और फ्लाईओवर्स की पहचान की गई। रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इनकी सफाई की जाती है। नाइट स्वीपिंग की प्रक्रिया महानगर पालिका के अपने 1500 सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी 500 से 700 रनिंग स्क्वायर मीटर्स कवर करता है। इन क्षेत्रों के माइक्रो क्लीनिंग के लिए 2 मैकेनिकल स्वीपर्स भी कार्यरत किए गए हैं। आइए अब जानते हैं एसएमसी के ट्रांसफर स्टेशंस के बारे में। ट्रांसफर स्टेशंस ऐसी फैसिलिटी हैं जहां कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से खाली कर बड़े कंटेनर में रीलोड किया जाता है, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट या डिस्पोजल फैसिलिटीज तक ले जाया जाता है। तो ट्रांसफर स्टेशंस के लाभ क्या हैं? इनमें श्रम, परिवहन एवं ऊर्जा की बचत होती है। बड़े वाहन में कचरे को ट्रांसफर करने से रोड ट्रैफिक कम होता है। इससे वायु प्रदूषण, ऊर्जा का उपभोग और रास्ते का वेयर एंड टेयर भी कम होता है। इनसे कचरे को संग्रहण करने वाली गाड़ी को संग्रहण करने के लिए ज्यादा समय भी मिलता है। इन स्टेशंस में कचरे को पृथक्करण करने का अवसर भी मिलता है। सफाई कर्मचारी कंक्रीट फ्लोर्स या कन्वेयर बेल्ट्स पर आ रहे कचरे को स्क्रीन करते हैं और उसमें से रिसाइकलेबल कचरा या ऐसा कचरा जो लैंडफिल या वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी में मान्य नहीं है, जैसे टायर्स और बैटरीज को अलग करते हैं।
सूरत में हाल में 6 ट्रांसफर स्टेशंस हैं और अन्य 3 प्रपोज्ड हैं। इनके स्थान और माप के आधार पर ट्रांसफर स्टेशंस में प्रतिदिन 150 से 450 मेट्रिक टन कचरा प्राप्त होता है। ट्रांसफर स्टेशंस की कामगिरी 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स की गई है। कॉन्ट्रैक्टर्स के काम में बंद कंटेनर्स और कॉम्पैक्टर्स, ट्रांसफर स्टेशंस का रखरखाव और लैंडफिल तक का प्रवहन शामिल है। ट्रांसफर स्टेशंस लगभग 1.5 एकड़ में फैले हैं और औसतन 3.5 करोड़ की लागत से इनका निर्माण हुआ है। प्राथमिक संग्रहण वाहन और डंपर प्लेसेस सामुदायिक बिन्स को ट्रांसफर स्टेशंस तक लाते हैं। ये वाहन ट्रांसफर स्टेशन के रैंप से ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं और कचरे को हॉपर द्वारा कंटेनर में डालते हैं। एक कॉम्पैक्टर से कचरे को कॉम्पैक्ट किया जाता है। ऐसे कॉम्पैक्टेड कचरे को बाद में बंद कंटेनर्स में ट्रीटमेंट या डिस्पोजल साइट्स पर ले जाया जाता है। यह कार्य निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स करने के लिए एसएमसी ने टेंडर्स जारी किए थे, जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को बिड्स में प्रति टन कचरे के प्रोसेसिंग का दर देने के लिए कहा गया था। एसएमसी के मूल्यांकन में कॉन्ट्रैक्टर का कार्य अनुभव तथा टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड का मूल्यांकन शामिल था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ट्रांसफर स्टेशन से लैंडफिल साइट के बीच का अंतर, उपकरण और मशीन्स पर लागत, कचरे की मात्रा और मानव संसाधन की आवश्यकता अनुसार फाइनेंशियल बिड प्रस्तुत की थी। कॉन्ट्रैक्टर ने एसएमसी द्वारा कचरे की मिनिमम मात्रा की गारंटी के लिए कीमत प्रस्तुत की और उससे ज्यादा वेस्ट के लिए डिस्काउंटेड रेट भी दिया। अब हम शहरी स्थानिक संस्थाओं के लिए यूजर चार्जेस के महत्व को समझें। शहरों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे वित्तीय स्थिरता प्राप्त करें और स्वनिर्भर बने। केंद्र सरकार द्वारा एक आवश्यक रिफॉर्म यह भी था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की पूरी कॉस्ट रिकवर हो पाए, जिसके लिए उचित यूजर चार्ज लागू किया जाए। एसएमसी भारत सरकार के रिफॉर्म्स का पालन करते हुए 2009 से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्जेस ले रहा है। इससे पहले वह कंजर्वेंसी टैक्स लेता था, जो प्रॉपर्टी टैक्स के अनुपात में था। यूजर चार्जेस एक फ्लैट रेट पर चार्ज किया जाता है, जो बिल्डिंग यूज पर आधारित है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए यूजर चार्ज पहले ₹20 प्रति माह से बढ़कर अब ₹50 प्रति माह तक चार्ज किया जाता है। यह चार्ज एसएमसी द्वारा वार्षिक लिए जाते कंसोलिडेटेड प्रॉपर्टी टैक्स बिल का एक हिस्सा है। सूरत महानगर पालिका में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की कार्यक्षम प्रणाली होने की वजह से यह सुनिश्चित होता है कि यूजर चार्जेस की रिकवरी अच्छी तरह से हो। सूरत में ठोस कचरा प्रबंधन की कुल राजस्व आय का 74% यूजर चार्जेस से आता है। यह आय इस वर्ष 121 करोड़ है, जो कुल राजस्व व्यय 106 करोड़ से 15 करोड़ ज्यादा है। ऐसी अनेक पहल करने के बाद भी शहरी स्थानिक संस्थाओं के लिए एक मजबूत निगरानी की व्यवस्था होना आवश्यक है। सभी वाहन जो कि घर घर जाकर कचरे को एकत्रित करते हैं, वे जीपीएस से सज्ज हैं। महानगर पालिका द्वारा की गई माइक्रो प्लानिंग अभ्यास के आधार पर प्रत्येक वाहन के लिए एक विस्तृत टाइम, प्लेस, मूवमेंट डिजाइन की गई है। इन वाहनों की मूवमेंट पर जोनल सेंटर से निगरानी की जाती है। शहरी स्तर पर 35 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिसमें एक अधिकारी रोटेशन से ठोस कचरा प्रबंधन की प्रवृत्तियों की निगरानी करता है। महानगर पालिका की कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम ये सुनिश्चित करती है कि हर एक नागरिक वार्ड ऑफिस जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। प्रत्येक वार्ड सुपरवाइजर स्टाफ के फोन नंबर्स सबको दिए जाते हैं, ताकि अगर डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम का वाहन न पहुंचे तो एजेंसी से सीधा ही संपर्क कर सकते हैं। नागरिकों के साथ वार्ड लेवल पर नियमित बैठक होती है, जिसके लिए कलेक्शन सिस्टम में सुधार आ सके। इस पूरी सिस्टम के उपरांत शहर में एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, जिससे
डिफॉल्टर्स को दंड किया जा सके। शहर में मार्ग पर कचरा फेंकने वालों से प्रशासनिक दंड लिया जाता है। यह सत्ता सैनिटरी इंस्पेक्टर को दी गई है। यह दंड व्यक्तिगत तौर पर ₹50 से लेकर शॉपिंग मॉल के लिए ₹500 तक का है। इस वर्ष में सूरत शहर ने लगभग 1.5 लाख लोगों पर प्रशासनिक दंड लगाए थे और लगभग 2 करोड़ रुपए जितने प्राप्त किए थे। ऐसी प्रक्रिया से नागरिक गंदगी फैलाने से दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के पास उनके ठेले के बाजू में उनके अपने गार्बेज बिन्स भी रहते हैं। हमने इस ट्यूटोरियल में सूरत महानगर पालिका के ठोस कचरा प्रबंधन के 4 मुख्य पहलुओं को जाना। वह हैं: प्राथमिक संग्रहण के लिए माइक्रो प्लानिंग का महत्व, ट्रांसफर स्टेशन के लाभ, पूर्ण कॉस्ट रिकवरी के लिए यूजर चार्जेस का महत्व, और अंत में निगरानी की व्यवस्था तथा कचरा फेंकने वालों पर दंड। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए एड्रेसेस पर संपर्क कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।